लगातार हो रहा है, क्या प्रयास के लिए कर रहे हैं? जल संकट को लेकर हमारी भोपाल नगर सरकार काफी गंभीर है और भोपाल के तालाब में हमारे पास पर्याप्त पानी है। भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसका जल स्तर जरूर गिरा है, क्योंकि पिछले वर्ष भोपाल में कम पानी की बरसात हुई है, जिसको लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित भी हैं और गंभीर भी हैं। परंतु हमारे पास कलियासोत में पर्याप्त पानी है, केरवा डैम में हमारे पास पर्याप्त पानी है, नर्मदा में हमारे पास पर्याप्त पानी है, और मुझे लगता है कि हम गर्मी के अंदर भोपाल की जनता को पर्याप्त पानी दे पाएंगे। परंतु गर्मी में कई क्षेत्रों के अंदर पानी के जल संकट की शिकायतें आती हैं, पानी का प्रेशर कम हो जाता है, उसके लिए हम प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैंने अधिकारियों को सभी सीनियर एज को निर्देश दिए हैं कि अपने पार्षदों के साथ दो दिन तक वार्ड का दौरा करें और वहाँ की जो समस्या है उसके प्रस्ताव बनाकर वे हमारे पास लेकर आएँ। पिछले दिनों सभी सीनियर और एज पार्षदों के साथ घूमे थे, लगभग 80% प्रस्ताव मुझे मिल चुके हैं और उनकी सक्षम स्वीकृति देने का काम हमने आज से ही प्रारंभ कर दिया है। आज हमने उत्तर विधानसभा के सभी पार्षदों की मीटिंग बुलाई है और उसमें सभी काम हम स्वीकृत करने वाले हैं। कई जगह 5-4 लीटर की पानी की टंकी की मांग की गई है, कई जगह अतिरिक्त पानी के टैंकर की मांग की गई है। नगर निगम के पास टैंकर नहीं है तो हमने किराए के ऊपर वो टैंकर लिए हैं, और इसी प्रकार से आज ही शाम को हमने गोविंदपुरा के सभी पार्षदों की मीटिंग भी आहूत की है। उनके भी जो प्रस्ताव थे उन प्रस्ताव को भी हमने प्रशासन की स्वीकृति दी है, वो तत्काल आज ही जो उनकी समस्याएं उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित करा है उसका निराकरण करके आने वाले दिनों में अन्य जो पार्षद हैं उनके साथ भी कार्य योजना बनाकर बैठकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। कहीं पर भी भोपाल की जनता को पानी की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मैं प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से भोपाल के किसी न किसी वार्ड में जा रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ और जाकर मैं सीधा जनता से संवाद कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कहाँ पानी की दिक्कत है, यहाँ पानी पीला आ रहा है, उसकी शिकायतें मुझे मिली है, मैंने उसके लिए भी अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कई जगह लीकेज थे वो लीकेज भी ठीक कराए हैं। मैं जब मॉनिटरिंग करने निकल रहा हूँ और अधिकारी और इंजीनियर से कहा है कि मैं आप लोगों को तनख्वाह बांटने के लिए नहीं आया हूँ, आप फील्ड के प्रति जवाबदार हैं। जो सब इंजीनियर यही अगर मुझे टंकी के ऊपर नहीं मिलेगा, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होगा, उसके ऊपर मैं निलंबन की कार्रवाई करूँगा। मैं समझता हूँ कि हम लगातार भोपाल की जनता के पानी के मामले को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। आज हमने वार्ड क्रमांक 20 में मंगलपारा जो क्षेत्र है वहाँ पर हमने दौरा किया। वहाँ पर एक शहर का असरदार व्यक्ति था, दबंग व्यक्ति था, कई थानों के अंदर आपराधिक रिकॉर्ड है, और वहाँ पर उसने महापौर निधि से हमने जो एक ट्यूबवेल स्वीकृत किया था उस पर उसने बलात्पूर्वक कब्जा कर लिया था, ताला डाल दिया था, और उस ट्यूबवेल से 2 या 3 परिवारों को ही पानी मिल रहा था। आज मैं सुबह स्वयं हनुमानगंज पुलिस और मंगलवारा पुलिस मेरे साथ में थी, नगर निगम के पूरे अधिकारी कर्मचारी साथ में थे, और हमने जाकर वहाँ पे ताला तोड़ा, ताला खोलकर हमने वहाँ की जनता को पानी उपलब्ध कराया। ये बात सही है कि उस क्षेत्र में पानी की किल्लत थी, तो हमने वहाँ पे 2 ट्यूबवेल आज स्वीकृत किए हैं और 1 या 2 दिन के अंदर वहाँ ट्यूबवेल हो जाएंगे। किसी को भी नगर निगम के ट्यूबवेल पे अधिग्रहण करने की और उस पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोई भी अगर गुंडा बदमाश इस प्रकार का करता है या कोई असरदार दबंग व्यक्ति करता है तो निगम प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा और आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराएगा।